नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और आज की खबरें इस प्रकार से। हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए कर्ज को किया जा रहा है विकास कार्यों पर खर्च, यह कहना है हरियाणा के पशुपालन एवं कृषि मंत्री जेपी दलाल का। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल जनता को व किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन की आहट पर किसान नेताओं की मंशा पर सवाल खड़े किए। सोमवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी स्थित अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के कई गांवों के नव निर्वाचित सरपंचों ने उनसे मुलाकात की। जेपी दलाल ने सभी नव निर्वाचित सरपंचों को शुभकामनाएं देकर गांवों का बिना भेदभाव विकास करने की अपील की। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन की आहट से लेकर केजरीवाल व भूपेंद्र हुड्डा के नारों पर पलटवार किया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दोबारा से किसान नेताओं द्वारा किसान आंदोलन शुरू करने की आहट पर कहा कि ये किसान नेता नहीं स्वयंभू नेता है, क्योंकि इन्हें किसानों ने कभी नहीं चुना। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा हरियाणा गठबंधन सरकार द्वारा हरियाणा को विकास की बजाय कर्ज में डुबोने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना काल में पूरी दुनिया में आर्थिक तौर पर संकट आया था, पर अब हरियाणा का बजट बढ़ा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, हरियाणा में रोज नए नए हाईवे बन रहे हैं और मेट्रो का विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज के पैसे को विकास पर लगा रही है। जेपी दलाल ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के पास कोई मुद्दा नहीं तो कर्ज के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। हुड्डा साहब ये भी बताएं कि जो बाकी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में क्या हाल है, राजस्थान में क्या हाल है, उधर छत्तीसगढ़ में क्या हाल है। ये सही है कि कोरोना के संकट के टाइम में प्रदेश सरकारों का, भारत सरकार का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब देशों का जो कारोबार कम हो गए थे और कर्जे की व्यवस्था बढ़ी है, लेकिन हरियाणा की आर्थिक हालात बहुत ही बढ़िया है और हरियाणा की अर्थव्यवस्था का जो प्रबंध किया है उसकी सब तारीफ करते हैं। और हरियाणा में जो रेवेन्यू है खजाने में हर साल बढ़ता जा रहा है और जो पैसा लिया गया है वो विकास के कामों में लगा है और उसके रिजल्ट जो हरियाणा के लिए अच्छे आएंगे। हर साल जो हमारा आप देख रहे हैं कि कलेक्शन जो है जीएसटी का कलेक्शन 15-20% बढ़ता है, हरियाणा का बजट भी बढ़ रहा है, हरियाणा में नए नए हाईवे निकल रहे हैं, मेट्रो आ रही है, किसानों को पैसा दे रहे हैं, बिजली का सुधार हुआ है, नहरों का बजट बढ़ा है, तो ये सही जगह पर पैसा लग रहा है। यानी विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष अपने कुछ ना कुछ तो उसको बोलना ही होता है और हुड्डा साहब अपने टाइम को भी याद रखें कि उन्होंने क्या किया था। कहने को उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा इसलिए वो इस तरह की बातें करें। पहले तो इनको किसान नेता कहना गलत है, स्वयं शंभु किसान नेता हैं, इनको किसी ने किसानों ने चुन नहीं रखा, अपने आप ही ये किसानों के नेता कहलाते हैं और ये चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, राजनीतिक इनकी आकांक्षाएं हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके, बार बार जनता इनको रिजेक्ट करती है, किसान भाइयों ने इनको स्वीकार नहीं किया है और किसानों के नाम पर ये राजनीति करते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। सर, गुजरात की बात करें तो गुजरात में बीजेपी काफ़ी ताकत लगा हुई है, गुजरात मॉडल जो है वो पूरे देश में बताया जाता, फिर कहा जा रहा है कि दूसरी पार्टियाँ की इतनी अगर गुजरात मॉडल है बीजेपी से इनने इतना काम करवा तो इतनी ताकत लगाने की वहाँ क्या जरूरत है। नहीं, जब चुनाव होता है तो जनता के दरबार में जाना ही पड़ता है, जाना भी चाहिए और हमारी पार्टी तो हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है कि पिछले कितने सालों से एक ही पार्टी की सरकार बनना, बार बार जो जनता का मत प्राप्त करना और इस बार भी अभूतपूर्व रिजल्ट आएंगे। एक तरफा चुनाव है और चुनाव के अंदर जो है जनता के बीच में जाकर के प्रार्थना करना एक अच्छी बात है, ये नहीं है कि हम अपने उसमें रहें, घमंड में रहें या गुरूर में रहें। जनता के सामने नम्रता से जनता के दरबार में जाना हर चुनाव में ज़रूरी होता है। केजरीवाल वो कह रहे हैं कि प्रकृति का नियम है बदलाव, तो 27 साल से गुजरात में बीजेपी है, इस बार जो है लोग बदलाव चाहते हैं और अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को लोग चाहते हैं इस बार। केजरीवाल जी हिसार जिले के रहने वाले थे, पंजाब के मुख्यमंत्री को लेके आए आदमपुर में, खुद भी हेलीकॉप्टर लेके आए, रोड शो करवाए, हिसार अपने घर वाले लोग ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं,
131,000 में से 3400 वोट उनको आए, 2.5% वोट। गुजरात की जनता को ये भी बता देना चाहिए उनको, मेरे यहाँ घर में चुनाव था, वहाँ मुझे 2.5% वोट मिला था और मेरे लोगों ने मुझे ये रिजल्ट दिया, ताकि गुजरात के लोगों को उसके बारे में अस्तित्व जो उसका है। सोमवार को राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स ने स्थानीय पंचायत भवन में पहुंचकर आयुष्मान भारत कार्यक्रम का अंत्योदय परिवार तक विस्तारीकरण योजना कार्यक्रम के तहत 17 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र व राज्य सरकार गरीबों के उत्थान के लिए दिन रात कार्य कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर वत्स ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार गरीबों की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीबों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई है। पहले आयुष्मान योजना अनुसूचित जाति से संबंधित बीपीएल परिवारों को दी जाती थी, परंतु बीमारी किसी जाति या आर्थिक स्थिति देखकर नहीं आती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ध्येय है कि समाज के हर वर्ग के गरीब व्यक्ति को उसकी बीमारी का इलाज मिल सके। इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिससे गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ मुफ्त में मिलेगा। ये वाक्य सोमवार को पंचायत भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कहे। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड भी वितरित किए। वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जो उसे अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में SECC सूची में शामिल परिवारों के अलावा ऐसे सभी परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1,80,00,000 रुपए तक है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। साथ ही योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जिले में इस योजना के तहत 1,40,768 परिवारों के 4,69,375 लोगों को लाभ मिलेगा। और वैसे भी फोन को बड़ा क्लीन समझा गया है, फिर भी कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि प्राइवेट अस्पतालों से संबंधित गड़बड़ियां ना हो। ये बड़ी एम्बिशियस संसार की सबसे बड़ी योजना है। बाकी आपको गाइड करने के लिए आयुष्मान मित्र होंगे, डॉक्टर जो होंगे, यानी कार्ड तो जनरेट हो जाएगा CHC लेवल पे भी, सिविल हॉस्पिटल लेवल पे भी, और जहां आप जाओगे वहां भी कार्ड बन जाएगा और मुफ्त कार्ड बनेगा। तो हम तो यही आपको अपनी शुभकामनाएं देंगे कि पहले तो आप बीमार ना हो, क्योंकि इस स्कीम के तहत वेलनेस सेंटर भी खोले गए हैं कि योगा भी सिखाया जाता है, उनको डाइट की भी एडवाइस दी जाती है। बीमारी तो मजबूरी है, मगर ऐसा भी है कि बीमार ना हो इंसान, या बहुत कम बीमार हो, चलो जब जाना होता है भगवान की मर्जी है, तब कोई ना कोई बहाना बनता है बीमारी का। मशीन है ये, मशीन फेल होने लगती है और इंसान हरे की चला जाता है। पहले तो आयुष्मान भारत योजना थी, वो 2011 की जो सेंसस थी जनगणना, उसमें SC ST परिवारों तक सीमित थी। आज उसमें जो अंत्योदय टाइप, यानी गरीब जो किसी भी जाति के हैं, क्योंकि बीमारी जाति देख के नहीं लगती, वो किसी को भी बीमार हो सकता है। तो 1,80,000 से तक जिस परिवार की आमदनी है सालाना, उस तक इसको बढ़ाया गया है, वो भी इससे लाभान्वित हो सके। इस तरह से करीब हरियाणा में 29,00,000 परिवार लाभान्वित हों और 1.5 करोड़ के करीब जनता, यानी जो लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब इससे लाभान्वित होंगे। आयुष्मान यहाँ तक सीमित नहीं है, कोई भी नहीं चाहेगा बीमार होना एक मजबूरी है। और आयुष्मान में वेलनेस सेंटर्स भी हैं। प्रधानमंत्री की इस योजना में हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज खोलना, ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो बनाए जाएं और वो देहात में जाएं और पब्लिक की सेवा करें। इसी तरह जन औषधि
यानी जेनरिक नेम से जो दवाई है वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है। इसी तरह से और बहुत सारी लाभकारी योजनाओं का लाभ पब्लिक तक पहुँचे। आज भिवानी जिले के जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम है उसका एक टोकन वितरण का, क्योंकि ऐसे 10 दौर चलने हैं जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया, और ज़्यादा ही ज़्यादा परिवार इससे लाभान्वित हो। सबसे बढ़िया बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी एम्पैनल किया है, सूचीबद्ध किया है, ताकि सिर्फ सरकारी अस्पताल ही नहीं प्राइवेट अस्पताल भी वो खुद लाभान्वित हो और पब्लिक को सेवा का अवसर मिले। इसलिए किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में सिर्फ कार्ड दिखाया जाए, कार्ड बनाए जाएंगे, कार्ड CHC में भी बन सकता है, आयुष्मान मित्र भी बना सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत एक तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस कॉलेज में मैं काम करता था या जिसका मैं संचालक तो नहीं प्रभारी था, महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोवा हिसार, उसने हरियाणा में टॉप किया है इस योजना के तहत। इसका फ़ायदा तो इसका क्लेम होता है, आप इलाज करें चाहे कैटरेक्ट का हो, चाहे घुटने रिप्लेस हों, चाहे हार्ट का, यानी बहुत सी बीमारियां इसमें हैं, सूचीबद्ध हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा क्लेम करें एंड देर इज़ नो लिमिट टू इट। बट साइमल्टेनियसली जैसा आपने कहा कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एम्पैनल किया, हमारा एक्सपीरियंस है, फौज में भी एक एक्स सर्विसमैन हेल्थ केयर स्कीम शुरू की थी, वो है अभी भी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर वही इलाज भिवानी में अवेलेबल है तो फौजी फिर वो दिल्ली में क्यों जाए, बेस हॉस्पिटल या RR हॉस्पिटल में। इसी तरह ये है कि एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सेवाएं ली जाएंगी, उन हॉस्पिटल्स को ये फ़ायदा है कि हाईली पेइंग पेशेंट्स की बजाय ये सरकार पे करेगी तो वो भी चलेंगे। और दूसरी बात मैं इस पर ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी स्कीम चले उसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं, इसमें सख्त निगरानी की ज़रूरत भी होगी सरकार द्वारा, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले में आने के लिए अच्छी सेवाएं प्रदान करनी पड़ेंगी। इसमें नाम है जी, खड़गपुर से आई हूँ, और इससे मतलब कोई भी दिक्कत हो जाए तो मतलब 5 लाख का फ्री इलाज होगा। आशा वर्कर हूँ, सब सेंटर खड़गपुर है जी, और हम आयुष्मान कार्ड के लिए आए हैं जी, सबको ये लाभ मिलना चाहिए। मैं बामड़ा गांव से आई हुई हूँ और ये अब मेरा आयुष्मान कार्ड बन चुका है, जिसमें मैं और मेरे पूरे परिवार को 5 लाख की सहायता मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमारे कोई भी बीमार सदस्य हुआ या किसी का कोई ऑपरेशन हुआ कुछ भी हुआ, ये हमारा फ्री इलाज होगा। आशा वर्कर कलिंगा से हूँ जी, मेरा नाम बतेरी है, ये मेरा आयुष्मान का कार्ड बन चुका है जी, इसमें मेरे और मेरा परिवार सब 5 लाख का इसमें फ्री इलाज होगा, और मैं सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद मिलती है आशा वर्कर से। और आयुष्मान कार्ड कैसा है जी, देखो सरकारी में तो इलाज है फ्री, वैसे भी फ्री है, लेकिन आयुष्मान कार्ड जिसका बन जाता है उससे प्राइवेट हॉस्पिटल जो पैनल में आए हुए हैं उनका इलाज भी फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता, टेस्ट मेडिसिन सब इसमें आ जाता है। ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सकों की टीम द्वारा डॉक्टर मैंक चुग के मार्गदर्शन में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान श्री ईश्वर धामू व महासचिव प्रदीप चौहान ने कैंप के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। गांव खरक कला में चूग मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के द्वारा 21वीं सदी की नारी के तत्वाधान में फ्री मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर धामू बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। वे कैंप में भिवानी हलचल के संचालक प्रदीप चौहान, पत्रकार धर्मेंद्र अंगीरा, अजय धामू विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कैंप की अध्यक्षता गाँव के नव निर्वाचित सरपंच रामचंद्र ने की। कैंप में लगभग 158 ग्रामीणों द्वारा स्वास्थ्य की जाँच करवाई गई। वहीं अंत में कैंप की आयोजक निशा ने चूग अस्पताल का आभार भी व्यक्त किया। लोगों का मतलब है जो परेशानी है, बीमारी है, वो दूर होती रहे, उनको सहूलियत मिलती रहे, और मतलब है आगे भी हम हेल्प करते हैं, ऐसा ही चलता रहे आपका प्रोग्राम। बहुत ही अच्छा अच्छा कदम है और दुनिया के सब गांव के वेलफेयर में है ये।
की शुरुआत की गई। 21वीं सदी की नारी संस्था द्वारा आज ये छोटी खरक में कैंप लगाया गया, मेडिकल कैंप। मेडिकल कैंप में बहुत अच्छी इनकी जो भीड़ थी वो अच्छी है। और दूसरी बात है कि मेरा ये मानना है कि इस तरह के कैंप गांव में विशेष रूप से लगाते रहने चाहिए। जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, उनको चाहिए कि वो दूसरे काम जो करते हैं, जो दूसरे उनके प्रोजेक्ट होते हैं, उन प्रोजेक्ट के साथ ये प्रोजेक्ट भी शामिल करें कि वो मेडिकल कैंप लगाएं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं। ऐसे कैंपों का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि कई बार हमारे यहाँ परिवार में बच्चे या बिटिया वो बीमार हो जाते हैं, लेकिन हम उसको शहर में ले जाने के लिए ये वेट करते हैं कि जब टाइम लगेगा तब लेके जाएंगे। इतने टाइम में 2 दिन 3 दिन जो भी लगेगा उसमें जो है ना वो क्या होता है कि बीमारी बढ़ जाती है। अब ऐसे कैंप लगने से एक तो बीमारी पर कंट्रोल होता है, दूसरा है कि बीमारी के लिए सही ट्रीटमेंट दिए जाने पर जो है वो जब ठीक होगा तो फिर अल्टीमेटली वो डॉक्टर के पास जाकर बाकी जो उसकी बची हुई एक्सरसाइज है वो भी करेगा। इसलिए मैं विशेष रूप से इसको जो अध्यक्ष इसकी नीचा इसको जो है ना मैं अपना पूरा साधुवाद देता हूँ, और मेरे से जो भी भविष्य में भी मेरे से जो भी ये उम्मीद करेंगे मैं उसको पूरा करूँ। हाँ जी सर, कैंप लगा के बहुत खुशी मिल रही है, सभी को इलाज का मौका मिल रहा है सर, और सभी लोग आके अपना इलाज भी करवा रहे हैं सर। और मैं आगे भी चाहूँगी सर कि इस तरह के कैंप में लगाती रहूँ ताकि मैं सबकी सहायता करती रहूँ। ये सर मैंने मेरे मन में था, मैंने सोच रखा था कि ऐसा कुछ मैं करूँ जिससे कि मैं सबकी मदद कर सकूँ, और वो मैंने। विद्यार्थी विज्ञान का प्रयोग मानवता की भलाई के लिए ही करें, यह कहना है प्रमुख समाजसेवी एवं वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के महासचिव डॉक्टर पवन बुआनी वाला का। सोमवार को वैश्य महाविद्यालय के भौतिकी वनस्पति व रसायन एवं कंप्यूटर साइंस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित साइंस प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। सोमवार को वैश्य महाविद्यालय भिवानी के भौतिक विज्ञान विभाग, वनस्पति विज्ञान विभाग, रसायन विज्ञान विभाग एवं कंप्यूटर साइंस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में साइंस प्रदर्शनी का आयोजन महाविद्यालय में किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के महासचिव डॉक्टर पवन बुवानीवाला, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल, वैश्य महाविद्यालय के स्वपोषित विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर प्रोमिला सुहाग, महाविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सविता जैन, वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल, भौतिक विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मधु गुप्ता एवं कंप्यूटर साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के साइंस विभाग के सभी संकाय एवं कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं को जिला स्तरीय एग्जीबिशन में प्रतिभा के लिए चयनित किया जाएगा। वहीं उन्होंने सभी संकाय के विभाग अध्यक्ष को इस आयोजन के लिए बधाई दी। आपको बता दें कि वैश्य महाविद्यालय भिवानी में हुई कॉलेज स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में 50 मॉडल प्रदर्शित किए गए। साइंस फैकल्टी ने लगाया है, इसमें 4 फैकल्टी ग्रुप में काम कर रही है। फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, जूलॉजी है और बॉटनी। इन चारों ने अपने अपने मॉडल्स बनाए हैं और हमेशा ये ऐसे मॉडल्स बनाते हैं कि किसी भी देश की नींव जो होती है
आधार जो होता है बच्चों से होता है, कॉलेज से शुरू होता है, स्कूल से शुरू होता है। आज चाहे न्यूक्लियर है, आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चे न्यूक्लियर पर काम कर रहे हैं, और हमारे बच्चे भी आज ग्लोबल वार्मिंग पर काम कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग उसके मॉडल बना रहे हैं। उसके साथ साथ आज एनर्जी की जैसे प्रॉब्लम बता रहे हैं कि देश में पावर की बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें सोलर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उनके मॉडल्स बना रहे हैं। इसके साथ साथ तरह तरह के देश के अंदर जो एक साइंस की रिक्वायरमेंट है जो बच्चों को, उस पे वे सब काम करके डिफरेंट मॉडल्स बना रहे हैं। और एक ही कंपटीशन की भावना से बच्चों को ज़्यादा आईक्यू बढ़ रहा है, और ये मॉडल जब हमारे कंपटीशन में टॉप आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे। जूलॉजी, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट इस एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे हैं। कल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट कॉलेज में एग्जीबिशन है 22 और 23 को, उसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको सेलेक्ट करने के लिए ये कॉलेज लेवल पर हमने एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज किया है। तो बच्चों में कंपटीशन की भावना आती है, कंपटीशन की भावना के साथ बच्चों को एक नया मॉडल, जैसे कोई भी मॉडल बनाता है कि मेरे को एनर्जी सेव करनी है, उसके एक्सपेरिमेंट मॉडल तैयार करना, उससे बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। जैसे मैंने कभी फिजिक्स में देखा था कि स्ट्रीट लाइट केवल और केवल सोलर सिस्टम से उन्होंने स्ट्रीट लाइट को तैयार कर दिया। आपको अगर स्ट्रीट लाइट अंधेरा होगा तभी वो स्ट्रीट लाइट जगेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। आज मेडिकल डिपार्टमेंट ने इंट्रा कॉलेज साइंस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजेशन किया है, और यहाँ पर हमने बॉटनी में 6 हमारे मॉडल डिस्प्ले किए हुए हैं, जूलॉजी डिपार्टमेंट ने 5 मॉडल डिस्प्ले किए हैं, फिजिक्स ने भी 5 किए हैं, और कंप्यूटर साइंस में 3 मॉडल डिस्प्ले किए। बच्चों ने बड़ी मेहनत करके आज जो रेलेवेंट साइंस के अंदर डेवलपमेंट हो रही है उनके रिलेटेड कुछ मॉडल्स को डिस्प्ले किया है, और उनसे रिलेटेड समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने अपना पूरा मेहनत और योगदान दिया है। तो बच्चों का ये जो हमारी कोशिश है बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए है, ताकि बच्चा ना केवल पढ़ाई के करता रहे, साथ साथ उसके अलावा को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर। सीटू का 14वां राज्य स्तरीय सम्मेलन स्थानीय भगवती धर्मशाला में सोमवार को संपन्न हो गया। सम्मेलन के दौरान उपस्थित 250 के करीब प्रतिनिधियों के समक्ष महासचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा वार्षिक वित्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वहीं इस अवसर पर 63 सदस्यीय राज्य कमेटी का गठन भी किया गया। सीटू हरियाणा का राज्य सम्मेलन सोमवार को भगवती धर्मशाला में तीसरे दिन संपन्न हुआ। राज्य सम्मेलन में 250 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में महासचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा संगठनिक व वित्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। महासचिव कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट पर 25 पुरुष और 16 महिला प्रतिनिधियों ने बहस में हिस्सा लिया तथा दोनों रिपोर्ट सर्वसम्मति से पास की गई। सीटू की राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड हेमलता व राष्ट्रीय सचिव एआर सिंधु की देखरेख में आगामी 3 वर्षों के लिए 21 पदाधिकारियों सहित 63 सदस्यीय राज्य कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सुरेखा राज्य प्रधान, जय भगवान महासचिव, विनोद कुमार कोषाध्यक्ष, सुबीर सिंह, सतबीर सिंह सहित 63 सदस्यीय राज्य कमेटी का गठन किया गया। वहीं सीटू की राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड हेमलता ने नव निर्वाचित राज्य कमेटी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं आपको बता दें कि सीटू का 14वां राज्य सम्मेलन मांग करता है कि सरकार बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करे। देखिए, हमने पिछले 3 साल की समीक्षा करते हुए अपने कार्यों की अपनी नई कमेटी का चुनाव किया है, और हमने 5 अप्रैल को संसद मार्च में जोर शोर से पहुंचने का आह्वान किया है मजदूरों को, और हमने यहाँ से कोटा लिया है कि CITU के 50,000 जो मजदूर हैं वो 5 अप्रैल को दिल्ली संसद कूच करेंगे, और उससे पहले हमने ये निर्णय लिया कि नवंबर माह में हम अपनी सारी संयुक्त मीटिंगें करेंगे, और दिसंबर में हम अपनी ब्लॉक की कन्वेंशन करते हुए गांव आधारित हम अभियान चलाएंगे, और उन अभियानों के बाद हम ब्लॉक आधारित हमारे प्रदर्शन होंगे अपनी तमाम लोकल समस्याओं को लेके, जिसमें ये ऑनलाइन के नाम पे पेंशन के अंदर कटौती हो रही है, गांव में पीने के पानी की समस्या है, गलियों की समस्या है, मर्जर के नाम पे स्कूलों को बंद किया जा रहा है, अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है। हमारे CITU का राज्य का 3 दिवसीय CITU का सम्मेलन समापन हुआ है, और 3 दिन तक जो कमा के खाने लोग हैं उनके लिए यहाँ नीति बनाई है, और सरकार की जो वो चाहे आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, चाहे मिड डे मील है, चाहे भवन निर्माण है, और तमाम जो कमा के खाने लोग है उनकी जो नीतियों में सरकार कुठारा घाट कर रही है उसके लिए एक रणनीति तैयार की है, जिसको लेके आज आगाज किया है कि आने वाले टाइम पर पूरे नीचे गांव स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से जिला स्तर से करते हुए पूरा देश के स्तर पर
5 अप्रैल को भूरे लामबंदी होगी और इसके लिए आज ये जो तमाम पूरा हरियाणा से डेलीगेट आए थे जिन्हें एक रूपरेखा बनाई है पूरा हरियाणा की। सोमवार को भारतीय मानक ब्यूरो की फरीदाबाद शाखा के सदस्यों द्वारा 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टीम सदस्यों के द्वारा सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देते हुए उन्हें स्टैंडर्ड क्लब द्वारा करवाई जा रही अनेक एक्टिविटीज के बारे में जानकारी प्रदान की। भारतीय मानक ब्यूरो फरीदाबाद शाखा कार्यालय द्वारा 2 दिवसीय ट्रेनिंग का कार्यक्रम 21-11-22 एवं 22-11-22 को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 50 अलग अलग भिवानी के सरकारी स्कूल के टीचरों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम फरीदाबाद शाखा की प्रमुख विभा रानी के मार्गदर्शन में किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों को भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में और स्टैंडर्ड क्लब के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को स्टैंडर्ड क्लब की विभिन्न एक्टिविटी के बारे में ट्रेनिंग दी गई तथा स्टैंडर्ड राइटिंग भी करवाई गई। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों को गुणवत्ता के बारे में ट्रेनिंग देना रहा। भारतीय मानक ब्यूरो के फरीदाबाद ब्रांच की प्रमुख हूँ मैं, और ये हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड क्लब्स के मेंटर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारा मेन एम है कि हम बच्चे जो कि भारत का भविष्य हैं उनको ये क्वालिटी कॉन्शियस बनाए और उनको ISI मार्क के बारे में और इसके बारे में बताएं कि वो अच्छी चीज़ें और मतलब प्योर जो भी ये होती हैं उनको ये यूज करें। ये हमारा ये एम है और टीचर्स को हम लोग बता रहे हैं जिससे कि वो आगे बच्चों को ये चीज़ें बताएं। मैं डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांग। मैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ से नॉमिनेट की गई हूँ और आज का ये जो प्रोग्राम है मैडम जो विभा कंडक्ट कर रही है रेरी बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, लेकिन क्योंकि हम लोग भी अनभिज्ञ थे हमें भी नहीं पता था, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में विपक्ष में भी थोड़ा बोलना चाहूँगी। सिर्फ 50 स्कूल ही कॉल किए गए हैं और इवन कि मेरा स्कूल भी नहीं है इसमें, तो मैं चाहूँगी और 2 दिन का प्रोग्राम है तो थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगी ये 2 दिन के प्रोग्राम में मैक्सिमम स्कूल कवर होने चाहिए और हर स्कूल कवर हो ताकि हर बच्चे अवेयर हो जाए आगे जाके, क्योंकि मेनली जो प्रॉब्लम है हमारे ग्रामीण इलाकों में है। शहरों में तो हम पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, लेकिन वहाँ जहाँ लेबर फैमिली है उनको इस चीज़ का कुछ भी नहीं पता, जीरो हैं वो लोग, तो वो ज़्यादा धोखा जो खाते हैं वही लोग खाते हैं। तो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, इवन कि करिकुलम जो है हमारा उसमें भी इन्वॉल्व हो और हर बच्चे इसमें जो है अवेयर हो, यही मैं कहना। असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा भिवानी से, इस प्रोग्राम के जो कोऑर्डिनेटर मैं ही कर रहा हूँ इसको। हमारे को आदेश हुए थे कि 50 विद्यालयों में BIS क्लब का गठन करना है जिनके माध्यम से बच्चों को BIS स्टैंडर्ड्स के बारे में जागरूक करना है। IS मार्क है, हॉल मार्क, ज्वेलरीज है या शूज़ के ऊपर क्या प्रोडक्ट मार्क का लगता है जिससे हम ये पहचान कर सकें कि वो ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, जस्ट टू अवेयर कि आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं तो राइट डायरेक्शन में खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमारे इस प्रोग्राम का मोटिव है और हम चाहते हैं कि हमारे मेंटर्स जो हमने 50 क्लब के मेंटर्स बनाए हैं वो सभी आगे जाकर ग्रामीण परिवेश में जाकर लोगों में जागरूकता बनाएं, बच्चों के माध्यम से ग्रामीण जनों को पता लगे कि एक BIS केयर ऐप है जिसको मोबाइल में इंस्टॉल करके वो सभी तरह के मानकों के बारे में जान। आज का जो मेंटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था इसमें टोटल 46 टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स पार्टिसिपेट किए। इस प्रोग्राम का मेन मकसद था कि हम टीचर्स को ये बता सके कि स्टैंडर्ड क्लब के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है और मेन मुख्यतः उनमें ये स्टूडेंट्स में ताकि वो स्टूडेंट्स में स्टैंडर्डिंग करवा सके, एक्टिविटीज़ करवा सके और उनमें क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वो डेवलपमेंट कर सके। प्रैक्टिकल हम लर्निंग का जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है वो स्टैंडर्ड क्लब के थ्रू जनरेट किया जा सकता है स्टूडेंट्स में। ये जो हम जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं वो कम्प्लीटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस्ड पर होता है और बच्चे जो होते हैं वो ये जनरली स्टैंडर्ड क्लब जो है साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर उनको वो अगर इनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उनको साइंस एंड साइंस के बारे में, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा और साइंस की जो लर्निंग है वो सिंपलीफाई हो जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चेयरमैन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार मुख्य दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण सचिव कपिल राठी के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन दिवस पर DLSA के द्वारा एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सूचना प्राप्त करने के लिए टेलीविजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पैनल अधिवक्ताओं के द्वारा सेमिनार के माध्यम से जागरूक किया गया।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कपिल राठी के नेतृत्व में विश्व टेलीविजन दिवस पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि DLSA के उद्देश्य व जागरूकता फैलाने में टेलीविजन का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन डे पर जानकारी देते हुए बताया कि टीवी आज के समय में हर घर का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन सब कुछ टीवी से मिल सकता है। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता कुलदीप शर्मा ने कहा कि संचार का सबसे बड़ा माध्यम टेलीविजन है तथा 1996 में UNO जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें विश्व टेलीविजन दिवस बनाने की बात कही गई थी। तब से आज तक 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1995 से अब तक निरंतर हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कुशल मार्गदर्शन में प्राधिकरण की कार्य करती है। समाज उत्थान की शुरुआत जनजागरण से ही हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य के लगभग प्रत्येक गांव, तहसील, शहर में निरंतर कानूनी जागरूकता। कुलदीप अत्री, पैनल एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भिवानी। आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से वर्ल्ड टेलीविज़न डे, विश्व दूरदर्शन दिवस, वो आज हम यहाँ मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और टीवी जो है वो टीवी डे हम क्यों मना रहे हैं, 1996 में UNO की जो जनरल असेंबली थी उसने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि भाई हम वर्ल्ड टीवी डे मनाएंगे, उसके तहत हम वर्ल्ड टीवी डे मना रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो टीवी है, इसका जो सबसे पहले जो टीवी का जो सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था वो दैट वाज इन 1927 और हिंदुस्तान में जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1959 में, और 1959 में 30 साल तक जो दूरदर्शन जिसको हम DD बोलते हैं उसके माध्यम से हम टीवी देखते रहे। और उसके बाद फिर प्राइवेट प्लेयर्स आए और फिर टीवी का काफ़ी ब्रॉडर जो है कम्युनिकेशन हुआ। आप सबको मालूम है कि टेलीविज़न जो है वो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा साधन है। वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, एजुकेशन जैसे किसी भी प्रकार की एजुकेशन है, वो बच्चों तक पहुंचने की एजुकेशन है, मासिस तक पहुंचने की एजुकेशन है, वो टीवी के माध्यम से ही पॉसिबल हो उसका, क्योंकि उसमें विजुअल भी होता है। जैसे पहले ऑडियो होता था, ऑडियो एक लिमिटेड उसका दायरा था, एक लिमिटेड उसकी रेंज थी, लेकिन जैसे ही टीवी आया तो इट वॉज ए बिग रिवोल्यूशन। ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था हमारी सोसाइटी के लिए कि हम उसको विजुअल्स के साथ, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया वो, चाहे वो स्टे कनेक्ट रहना है, जैसे हम किसी के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, और इसमें करंट अफेयर्स के साथ भी हम कनेक्टेड रह सकते हैं। जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो डे टू डे के जो इश्यूज हैं, जो वर्ल्ड में क्या घटनाएं घट रही हैं पूरे विश्व के अंदर, उनके बारे में भी हम बखूबी अपने आप को उसके अंदर जानकार रख सकते हैं। उसके साथ साथ हम जो है स्टे फैमिली बॉन्डिंग भी बनती है इसमें। हम जो आपस में जो फैमिली है, कोई सीरियल आता है, धार्मिक सीरियल है या किसी भी प्रकार से जो कोई ऐसा फैमिली का सीरियल है, उसमें हम फैमिलीज जो हैं आपस में बैठ के देखते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीडिया फॉर फैमिली बॉन्डिंग। उसके साथ साथ हम लैंग्वेज को, जैसे अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेज हैं, अलग अलग डिफरेंट चैनल्स पर आती हैं, वो भी हम सीख सकते हैं उसके माध्यम से। और इसके साथ साथ हम जो सबसे बड़ी बात है कल्चर्ड, जो अच्छे अच्छे जैसे टीवी के ऊपर अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं उससे हम अपने आप को अवेयर करके, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं रामायण और महाभारत, जय श्री कृष्णा, ये सीरियल आए तो बिल्कुल हमारी जो बिल्कुल जितना भी था जिस समय ये आते थे उस समय हमारी स्ट्रीट्स में, गलियों में, सब जगह बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी, किसी भी प्रकार का एक ये नहीं। और रामायण और महाभारत और अदर जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके जो सीरियल हैं, उनके उस सीरियल के माध्यम से उनके अंदर जो पात्र हैं उनके बारे में हम बुक्स में इतना नहीं समझ पाए थे, क्यों, पहले तो बुक्स हर एक के रीच में नहीं थी, लोग बुक्स पढ़ने के लिए थोड़ा आलस्य भी रखते थे, लेकिन जैसे ही टीवी आया तो टीवी के माध्यम से जब वो अलग अलग पात्र आए तो आज हम छोटे से बच्चे के से भी किसी पात्र के बारे में जानना चाहें या किसी भी उस रामायण महाभारत के किसी किस्से के बारे में जानना चाहें तो इजली जो है ना वो उसको बता पाता है, क्योंकि ये टीवी के ही कारण हुआ। तो ये सबसे बड़ा जो है मास कम्युनिकेशन का एक रहा। उसके साथ साथ जो हमारी नालसा की जितनी भी स्कीम्स हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की जितनी भी स्कीम्स हैं और हालसा की स्कीम्स हैं,
और गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको स्प्रेड करने में भी टेलीविज़न का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, क्योंकि हमें मासिस तक पहुंचना होता है। हमारा मुख्य मुद्दा है कि जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी लीगल सर्विसेज हैं, जितनी भी लीगल बेनिफिट्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और नेशनल अथॉरिटी के द्वारा जो लाभ आम जनता के लिए दिए गए हैं उनको वहाँ तक हम कैसे पहुँचा सकते हैं, उनको पहुँचाने का सबसे जो बेस्ट माध्यम है वो टेलीविज़न है। उस टेलीविज़न का हम भरपूर उपयोग करते हैं और उस माध्यम से हम उन लोगों तक पहुँचते हैं, क्योंकि आज आपको पता है ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, विश्व स्तरीय सभी कार्यक्रम हो रहे हैं और विश्व स्तरीय कार्यक्रम में आज आखिरी छोर तक जो आखिरी हिंदुस्तान का पार्ट है, चाहे वो बिल्कुल दलित है, संकुचित है, बिल्कुल जो अभावग्रस्त इलाका है, वहाँ तक भी टीवी एक ऐसी चीज़ है जो पहुँच गई है। आप कहीं भी हम झोंकी झोपड़ी वगैरह में जाएंगे वहाँ हर जगह आपको टेलीविज़न मिलेगा। तो इसलिए हम अपनी स्कीम्स को पहुँचाने के लिए टेलीविज़न का भरपूर उपयोग करते हैं और टेलीविज़न के माध्यम से हम लोगों तक अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको बनाए रखते हैं। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सामान्य अस्पताल परिसर व पब्लिक प्लेसेस पर धूम्रपान करने वालों के 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के चालान काटे गए। इस बारे में स्वास्थ्य कर्मियों ने नागरिकों को धूम्रपान नहीं करने के लिए जागरूक करते हुए उन्हें स्वस्थ रहने का सुझाव दिया। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के ड्रग्स इंस्पेक्टर ओमवती सांगवान ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा धूम्रपान निषेध को लेकर जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। इसके दौरान जो व्यक्ति धूम्रपान करता पाया जाता है उसका चालान करके 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि धूम्रपान करने से मनुष्य के फेफड़े खराब हो जाते हैं तथा उसके स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। जो इंसान धूम्रपान करता है उसके साथ साथ उसके परिवार वालों पर भी धूम्रपान का सीधा असर पड़ता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा धूम्रपान निषेध जागरूकता अभियान चलाया हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को धूम्रपान करने से रोका जा सके। बीड़ी पीना बहुत फेफड़ों के लिए हानिकारक है और जो साथ में बैठे हैं उनको ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन फिर भी लोग मानते ही नहीं। तो हम 10 रुपए से लेके 200 रुपए तक का चलान काटते हैं और लोगों को समझाते हैं, जागरूक करते हैं। ये डेली हमारा अभियान होता है सुबह और शाम को भी। जागरूकता कैंप तो अभी नहीं लगे हैं, लेकिन ओपीडी में जो फिजिशियन बैठते हैं वहाँ पे मेडिसिन भी देते हैं बीड़ी तंबाकू छुड़वाने के लिए, और फिजिशियन के पास आते हैं और हम ले जाते हैं, उनको काउंसलिंग भी करते हैं, दुरियन करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये अभियान चलता रहेगा जी, आगे भी चलता ही रहेगा। आयुष्मान कार्ड व फैमिली आईडी को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भगवान दास कालिया के मार्गदर्शन में मजदूरों ने जिला योजना अधिकारी डॉक्टर भागीरथ कौशिक के सोमवार को उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने की मांग की। आयुष्मान कार्ड व फैमिली आईडी को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भगवान दास कालिया के मार्गदर्शन में मजदूरों ने जिला योजना अधिकारी डॉक्टर भागीरथ कौशिक से मुलाकात की। वहीं भगवान दास कालिया ने कहा कि जिला प्रशासन व सरकार ने आयुष्मान कार्ड की जो लिस्ट जारी की है उसमें अधिकतर जरूरतमंद लोगों के नाम नहीं है। वहीं जिला योजना अधिकारी डॉक्टर भागीरथ कौशिक ने कहा कि फैमिली आईडी में जिन विद्यार्थियों व हाउसवाइफ की आय को ठीक करवाने के लिए ई दिशा केंद्र में अप्लाई करें। भगवान दास कालिया ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र में भी स्थानीय पटवारियों ने भारी धांधली की हुई है, उसके कारण भी आयुष्मान कार्ड बनवाने व फैमिली आईडी बनवाने में भारी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि जब आम जन उन्हें ठीक करवाने के लिए पटवारियों के पास जाते हैं तो कार्य सही समय पर नहीं करते और टाल मटोल करते हैं। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सभी मांगों को लेकर वे 22 नवम्बर को सुबह 11 बजे भाजपा जिलाध्यक्ष एडवोकेट शंकर धूपड़ की मौजूदगी में उपायुक्त व संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये क्या है जी, फैमिली आईडी करवाना पड़ रहा है। फैमिली आईडी का क्या है कि इसका जो आयुष्मान की जो कार्ड बनता है ना उसके अंदर क्या है, जो मजदूर आदमी जो है उनकी इनकम है ना वो फालतू दिखा रखी, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना उनका भी इनकम है ना 2-2.5-3 लाख रुपये 50-50 हज़ार रुपये ये चढ़ा रखी है। तो जो गरीब आदमी जो आप जो चक्कर काट रहे हैं फैमिली आईडी में, इसमें क्या हो रहा है सर कि जिसके जो नाम आने हैं आयुष्मान की लिस्ट में, जिसके जो हकीकत हैं जो लायक हैं उसके, उन लोगों के नाम नहीं आ रहे। जो मतलब जिसका बहुत बढ़िया है ना उनके नाम बोल रहे हैं। तो पब्लिक ये सोच रही है कि पिछली बार तो शुरू बने थे भाई उसमें हमारे नाम नहीं आए, तो अब भी हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। जो मतलब पिछली बार नहीं आए तो कभी नहीं आए,
सरकार ने ये जो स्कीम चलाई है ये हमारी सरकार ने स्कीम तो ठीक चला रखी है, मगर जो पब्लिक की जिसके जो नाम आने चाहिए वो नाम नहीं आ रहे, तो पब्लिक इसलिए बाजी बाजी आने लग रही है। फिर उसके बाद इनने जो फैमिली आईडी जो ठीक करते हैं उनने क्या कर रखा है कि शहर की जो कमेटी बना रखी है, एमसी कमेटी बना रखी है, गांव की जो कमेटी बना रखी है उसके अंदर क्या धांधलीबाजी हो रही है। जो कर्मचारी वेरीफाई करते हैं उन कर्मचारियों ने अपनी मर्जी चला रखी है, फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद पूछते हैं भाई आपकी इनकम कितनी है, मतलब आपके बच्चे क्या क्या करा है, वो बताते हैं मेरा बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद भी उनके नाम इनकम चढ़ा देते हैं। तो इसलिए है ना पब्लिक ने है ना एक तो वो फ़ोन उठावे हैं तो उसके बाद उठाने के बाद उनको अच्छी तरीके से गाइड नहीं करते और उनकी जो फैमिली आईडी है वो वेरीफाई नहीं करते। किसी ने 2 महीने हो रहे हैं, किसी ने 15 दिन हो रहे हैं, किसी ने 4 महीने हो रहे हैं, किसी ने 3 महीने हो रहे हैं और एक नई बीमारी और आ गई। फैमिली आईडी अपील डलवाते हैं CAC में, वो फैमिली आईडी के पास शो नहीं कर रही। 3 महीने पहले फिर मैंने अगस्त में कंप्लेंट डाली थी, ठीक है, इनकम वेरीफाई करने के लिए मैंने इधर उधर से पता करी कि अब वेरीफाई होगी अब आपकी कमेटी से वेरीफाई होगी, ठीक है, नंबर दे देते हैं इनसे करवा लो आप, ठीक है, ये आपका नंबर है, ये इनका नंबर है, आप इनसे पर्सनल करवा लो पैसे की करके। अब उनसे पता करने के लिए नहीं हो, मैंने 20 दिन के लिए ड्यूटी की थी वहाँ, तो आज अब मैं ड्यूटी में कैसे करूँ। अब उसके पास OTP जाता है, वो उसकी उनका जो भी प्रोसीजर है OTP जाता है इनका कि इनके पास आईडी दे रखी उनको बनाने के लिए। अब उनके पास जा चुकी है वो ड्यूटी पे, नहीं तो वो कैसे करेगा, अब हम घूमते रहोगे, ठीक है, फिर वो कहते जी मैं तो अपना नाम बनवा लूँगा, जर्नल बना दिए मेरे फैमिली आईडी, नहीं काम हो रहा है मेरा, कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक करवाने आए हो तो बोले जाना ही होगा कमेटी में, वहाँ गए थे वहाँ पर कहते यहाँ हुआ, फिर 4-5 दिन से दौड़ आ रहे हैं, चक्कर काटती रह गई। तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि जिसकी भी 1,80,000 से इनकम वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है, उन सब का आयुष्मान कार्ड बनेगा, ठीक है। अभी कुछ लोग ये परेशान है कि उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है CM ऑफिस में, तो मैं आपको बता दूं कि जिसकी भी इनकम वेरीफाई हो चुकी है, हो सकता है इस लिस्ट में ना आया हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितने भी परिवार बचे हुए हैं उन सब का नाम आ जाए। उसके लिए एक सरकार ने सिस्टम बनाया हुआ है कि जो इनकम वेरीफाई हो चुकी है और वो उस इनकम से संतुष्ट नहीं है तो वो किसी भी नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर कोरेक्शन मॉडल में अप्लाई कर सकता है। कोरेक्शन मॉडल में अप्लाई करने के बाद एक बूथ लेवल पर कमेटियाँ बनी हुई हैं जिन्होंने वेरीफाई करते हैं इनकम को, उसके ऊपर एक सेक्टर कमेटी बनी हुई है, तो जो बूथ लेवल की कमेटी से सेटिस्फाइड नहीं है वो कोरेक्शन मॉडल में अप्लाई करें, कोरेक्शन मॉडल में अप्लाई होने के बाद सेक्टर कमेटी के पास जाएगा, वो जो वेरीफाई करेगी उसको वो इनकम वेरीफिकेशन मानी जाएगी। भिवानी जिले से JJP के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय सचिव और कर्मचारियों का दिन रात भला चाहने वाले कर्मचारी नेता श्री बलदेव घनघस का रविवार को दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। अपने कर्मठ व मेहनती नेता के चले जाने पर सभी मजदूर संगठनों व कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारियों में दुख भरा समाचार सुनते ही शोक की लहर दौड़ गई। उनके अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी। आज की खबरों में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।